2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब आगे बढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि 2016 में मैंने भाजपा का दामन थामा था, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रेरित था, मेरे सिद्धांत मेरे दादा शरद चंद्र बोस और उनके छोटे भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित हैं। उनके सिद्धांत थे कि वे हर धर्म को भारतीय के रूप में देखते हैं। उन्होंने विभाजन और सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भाजपा से अपने इस्तीफे पर चंद्र कुमार बोस ने आगे कहा कि मैंने बंगाल की रणनीति के संबंध में भाजपा में राज्य और केंद्रीय नेतृत्व को कई प्रस्ताव दिए, लेकिन उन्होंने कभी मेरे प्रस्ताव को लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह उपयोगी था, फिर भी मेरा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। ऐसे में इस पार्टी के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे काम करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस पार्टी के साथ रहना ठीक नहीं होगा। मैंने जेपी नड्डा को यह स्पष्ट कर दिया है कि मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ है, लेकिन उन्हें सभी समुदायों को एकजुट करना है। चंद्र कुमार बोस के इस बयान का एक वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। तो ऐसे में आइए आपको भी सुनाते हैं चंद्र कुमार बोस ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। देखिए 2016 में मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो जो दिशा दिखाया था, हमको अच्छा लगा। मगर भाजपा में ज्वाइन करने का बाद जो राजनीति भाजपा करते हैं, इसके साथ मेरा जो आदर्श है, मेरा आदर्श शरद चंद्र बोस, मेरा दादाजी, आज उनका जन्मदिन भी है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका छोटे भाई, इनका जो आदर्श है सब धर्म को एक बना के भारतीय बोल के उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था। बंगाल स्ट्रेटजी के बारे में हम काफी प्रस्ताव भाजपा को दिया है, केंद्रीय नेतृत्व को भी दिया है, पश्चिम बंगाल का भी भाजपा का जो स्टेट कमेटी है दिया है। मगर मेरा जो प्रपोजल है, माना जाता अच्छा प्रपोजल, मगर वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब आदर्श, मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में, तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। हम जब काम नहीं कर पा रहे, तो इस पार्टी के साथ रहना आई थॉट वॉज अ नेगेटिव एक्शन। तो उसीलिए आई ऑफकोर्स नड्डा जी को हम स्पष्ट बताया जे माई गुड विशेज आर विद द पार्टी, मगर आप सब संप्रदाय को एक कीजिए। वही इंडिया भारत विवाद पर चंद्र कुमार बोस ने कहा कि भारत के संविधान में साफ लिखा है कि इंडिया डेट इज भारत, राज्यों का संघ। भारत और इंडिया एक ही है। जब दोनों का मतलब एक ही है, तो आप जो भी बोलते हैं उसका मतलब भी एक ही है। इससे जुड़ा विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।